हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 32 हासिल करने वाले जगत साई जी। स्वागत है जगत जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। जगत जी के बारे में बता दूं तो इन्होंने वीआईटी वेल्होर से अपना ग्रेजुएशन फिनिश किया 2014 में, एक साल जॉब की, फिर इस प्रिपरेशन में वो लग गए और ये पांचवा अटेम्प्ट था जब उन्होंने ना केवल क्लियर किया यूपीएससी सीएससी बल्कि एक बेहतरीन रैंक 32 के साथ। जगत जी कैसी फीलिंग है कि जिस चीज के आप तमन्ना हमेशा से रखते थे, जो सपना आपने देखा था, आज वो पूरा हो चुका है? इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग व्हेन आई केम टू नो दैट आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स अ वेरी गुड रैंक व्हिच गारंटीज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज माय फर्स्ट एज इट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं बहुत सालों से ये सपना में देख रहा था कि मैं एक दिन आईएएस बन जाऊं और ये करूं वो करूं ये सब। टुडे दैट ड्रीम हैज कम ट्रू, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पोस्टिंग्स एंड द ट्रेनिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव इन मसूरी एंड लबासना एंड आल्सो पोस्ट दैट वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल। तो आई एम फुली एक्साइटेड नाउ। जगत जी ये प्रिपरेशन बहुत डिमांडिंग है, एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल में फिर आना और फिर उसी कंसिस्टेंसी उसी एक्साइटमेंट के साथ इस एग्जामिनेशन में लगना, हाउ डिड यू डू दिस? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। जब हम ये प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब एक चीज के लिए हम शुरू करते हैं कि ये इस चीज के लिए मैं आईएएस बनना है। तो अगर ये इंटरनल मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो दिस कंसिस्टेंसी विल ऑब्वियसली कम इन आवर एवरीडे प्रिपरेशन। जगत जी अगर मैं आपसे आपका इंटरनल मोटिवेशन जानना चाहूं इस एग्जामिनेशन के लिए तो वो क्या था? सबसे पहले तो ये था कि माय मदर वांट्स टू सी मी एज एन आईएएस ऑफिसर राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, और ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड थे, लेकिन मैं कभी ये सीरियसली नहीं लिया जब तक मैं प्राइवेट जॉब पे प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहा था। उसके बाद इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, मेरी माँ ने कही थी कि एक दिन कि तुम असली जॉब नहीं कर रहे, बस यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, एक अच्छे जॉब मतलब एक सर्विस होना चाहिए, वही तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो ये है मेरी असली इंटरनल मोटिवेशन। जगत जी एंड आई एम श्योर कि आपकी जो मदर का प्रभाव था वो बहुत ही स्ट्रांगली आप पर भी पड़ा, और मैं सभी को बता दूं कि जगत जी के जो छोटे भाई हैं, हिज यंगर ब्रदर हैज आल्सो सिक्योर्ड रैंक 170, तो डेफिनेटली योर मदर हैज मोटिवेटेड बोथ हिज सन एक्सट्रीमली वेरी वेल एंड हैज प्रिपेयर्ड देम फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। यस मैम, इंडीड द क्रेडिट हैज आल्सो शुड बी गिवन टू माय फादर हु मोटिवेटेड अस विद हिज वर्क। ही वर्क्स इन पावर सेक्टर इन आंध्र प्रदेश। तो जब वो सुबह सुबह ऑफिस जाते थे और रात पे बहुत लेट आते थे, तो ये हमें लगता था कि ये है असली जॉब, और अगर हम बाद में फ्यूचर में कुछ काम किए तो दिस काइंड ऑफ जॉब हैज टू बी डन बाय आवरसेल्व्स एंड नॉट जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समथिंग एंड देन टाइपिंग देयर। आई वाज नेवर अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ जॉब। तो दे फील्ड लेवल जॉब पे पापा जी काम करते हमें मोटिवेट किए, और घर पे माँ हमेशा ये कहती थी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस असली सर्विस होती है। सो यस, बोथ माय ब्रदर एंड माय सेल्फ वी गॉट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, एंड इन फैक्ट वी आर लकी एनफ टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड दिस टाइम। आई एम श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, और हमें ये सुन के बहुत खुशी हो रही है कि अगर हम इसे कह रहे थे कि ये ब्रदर गोल्स हो सकते हैं कि दोनों भाई एक साथ प्रिपरेशन किया और एक दोनों ने ही बेहतरीन रैंक के साथ एक आईएएस और एक आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जगत जी आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है इस एग्जामिनेशन में, क्या राइट एटीट्यूड होना चाहिए एग्जामिनेशन के पहले और एग्जामिनेशन के दौरान? जी, अगर एटीट्यूड के बारे में बात करें तो फर्स्टली आई वुड से कि हमें इस एग्जामिनेशन की डिमांड्स को समझना जरूरी है। देयर आर थ्री स्टेजेस इन दिस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड ईच स्टेज हैज इट्स ओन डिमांड्स। तो पहले एक फ्लेक्सिबिलिटी और एकोमोडेटिव नेचर होनी चाहिए। सेकेंडली, और इस एग्जाम एक अनसर्टेन एग्जाम है, सक्सेस इज नेवर गारंटीड, तो फेल्यूर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी।
एक फाइटिंग बैक फाइट बैक स्पिरिट भी होना चाहिए इस एटीट्यूड हमारे अंदर. और तीसरा अगर कुछ वीकनेसेस पता हुआ कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, वी शुड बी एबल टू हैव दैट करेज टू वर्क ऑन दोस, एक्सेप्ट दोस वीकनेसेस एंड एक्ट अपॉन देम. सो दीज आर द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एटीट्यूड व्हिच आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. जगत जी, आपकी जर्नी की बात करें, 5 अटेम्प्ट्स आपने दिए. हर अटेम्प्ट में एक ये सोल मोटिवेशन होता है, एक सोल मोटिव होता है कि अपने आप को पिछले अटेम्प्ट से बेहतर बनाना, अपनी गलतियों को समझना और उसको एक स्टेपिंग स्टोन फाउंडेशन बना के आगे बढ़ना. लेकिन गलतियों को समझना, एनालाइज करना, उन पे काम करना खुद में एक बहुत बड़ा करेजियस टास्क है. कैसे समझते थे आप कहाँ कमी रह गई है, कहाँ और सुधार हो सकता है? जी, ये हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ मिस्टेक कर गलती कर रहे हैं. और दूसरा, और मेंटर्स के साथ बैठ के वी हैव टू एनालाइज अवर आंसर्स एंड अवर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स. और तीसरा, ये भी कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है वी थिंक दैट वी डिलीवर्ड अवर बेस्ट, लेकिन द रिजल्ट विल नॉट बी इन अवर फेवर. उस समय एक लक फैक्टर भी होना चाहिए हमारे साथ. जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट पे इंटरव्यू दिया था, मैं पहले दो इंटरव्यू दिया था, दिस वाज माय थर्ड इंटरव्यू. तो जब मैं दो इंटरव्यूज दिया था पहले, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा था. तो इस बार मुझे लगा कि लेट्स गिव माई बेस्ट अगेन, लेट्स प्रे गॉड. अगर इस बार भी फेल्योर आ गया तो ठीक है, आई एम यूज्ड टू इट. तो इस दिस काइंड ऑफ फियरलेस एटीट्यूड हेल्प मी. एंड ये छोटे मोटे चीज जो होता है कि वो पेपर कंप्लीट करना और सारे क्वेश्चंस में थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करना, ये सब दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट आई हैव एकोमोडेटेड दिस टाइम. मैं मेंस की बात करना चाहूंगी. जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस शुड बी योर सेंटर ऑफ द प्रिपरेशन. जी, जब हम प्रिपरेशन करते हैं वर्सेस जब एग्जामिनेशन में आता है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसको समझते हुए, उसको कनेक्ट करते हुए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कैसे आंसर लिखना चाहिए? क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर करने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए सारे चीजों में. कि मैं मेंस के लिए ये किया था कि सारे जीएस 4 जनरल स्टडीज 4 पेपर्स में जो सिलेबस में टॉपिक सिलेबस टॉपिक्स होते हैं, आई टुक ईच एंड एवरी टॉपिक एंड प्रिपेयर्ड 2-3 A4 शीट्स ऑफ नोट्स फॉर एवरी टॉपिक. उस समय मैं बहुत बैकग्राउंड वर्क किया था. फॉर ईच टॉपिक आई यूज टू रिफर 3-4 सोर्सेस, उसके बाद रिवाइज करके एक क्रिस्प नोट्स बना दिए मैंने. तो ये नोट्स बार बार रिवाइज करने के बाद आई हैड द एंटायर कंटेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. और जब ये मेंस पे क्वेश्चन लिख रहा था, आई हैड वेरी सॉलिड पॉइंट्स राइटिंग वेरी फास्टली. तो मैं 3 बार मेंस दिया था, 3 बार मैंने मेंस निकाल दिया. तो मुझे लगता है कि यही मेरी USP है, मतलब एटलीस्ट फॉर द स्टेज ऑफ मेंस. अभी आपने जैसे मेंशन किया कि आप थीमेटिक स्टडी जैसे कह सकते हैं सिलेबस के नोट्स बनाना, तो कई बार ये चीजें पता होती हैं लोगों को बट वो अक्यूमुलेट नहीं कर पाते. नोट्स क्या एक दिन में बनेंगे या फिर ओवर टाइम जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, वैसे आपको अपने नोट्स अपडेट करने हैं? जी, ये तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ वेरी डायनामिक एग्जाम. एक स्टैटिक सिलेबस भी होता है और करंट अफेयर्स डायनामिक भी होता है. तो वी नीड टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू अपडेट अवर नोट्स एवरी टाइम. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब मैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी के नाम पे एक टॉपिक था GS2 में, तो आई प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर इट फॉर अराउंड 2-3 पेजेस. उसके बाद अचानक एक दिन मिशन कर्मयोगी के बारे में मैंने न्यूज सुना, तो आई टुक अप माय नोट्स एंड देन अपडेटेड विद दैट मिशन कर्मयोगी. तो ऐसे वी नीड टू अपडेट अवर नोट्स कंटिन्यूअसली. जगन जी, मैं GS2 की बात करना चाहती हूँ, गवर्नेंस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन. किस तरीके से हमें अलग अलग सेक्शंस को उठाना है और पढ़ना है? जी, सबसे पहले तो पॉलिटी के बारे में बात करता हूँ. पॉलिटी मोस्टली मैं लक्ष्मीकांत से बेसिक चीज मैंने कंप्लीट किया. उसके बाद आई टुक हेल्प ऑफ विजन IAS वैल्यू एडिशन मटेरियल. तो वहां से मैं एक दो चीज लेके मैंने नोट्स बना दिया. गवर्नेंस तो पूरा मैं विजन IAS वैल्यू एडिशन मटेरियल से ही मैंने कंप्लीट किया. व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो मोस्टली डायनामिक होता है. तो आई रिलेड ऑन
ईयरली कंपाइलेशन ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट. सो इसी तरह के मैं GS2 तैयारी. जगत जी, जब हम आंसर राइटिंग, आंसर स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, तो किन किन खास एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है और आंसर देना है? क्योंकि हमने ये तो सुना है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन उसको, उसमें पॉइंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो अगर आप हमें समझा सके. ये तो हम प्रायोरिटाइज करना चाहिए. सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल राइटिंग एन आंसर इज मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. कभी कभी ऐसे होता है कि वी एज एस्पिरेंट्स वी टेंड टू राइट व्हाट वी नो एंड व्हाट वाज नॉट आस्क्ड. सो लेकिन ये नहीं करना है, वी हैव टू राइट व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट नॉट व्हाट वी नो. तो फर्स्ट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और सेकेंडली प्रायोरिटाइजिंग में फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये सबसे पहले पॉइंट होना चाहिए, और लीस्ट रिलेवेंट पॉइंट होता है ये सबसे नीचे होना चाहिए. इसी तरह हमें प्रायोरिटाइज करके सारे पॉइंट्स को लिखना चाहिए मेन आंसर में. आपको ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था. मैं सबसे पहले ये रीजन पूछना चाहूंगी कि आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट ऑप्शनल विच पीपल ऑप्ट फॉर, बट बहुत ध्यान रखना है इस ऑप्शनल के साथ. जी बिल्कुल. एक्चुअली मैंने जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया, मैं मैथ्स ऑप्शनल उठा लिया. उसके बाद मैं 2-3 महीने मैंने मैथ्स प्रैक्टिस की. उसके बाद मुझे लगा कि सिलेबस बहुत वास्ट था मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स की सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा था. तो मुझे लगा, मैं एक दो सीनियर्स से कॉन्टैक्ट किया, और मेरे सीनियर्स ने एडवाइस किया कि एंथ्रोपोलॉजी भी देख लो एक बार. तो मैंने उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स लिया और पढ़ने लगी. उसके बाद मुझे लगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सिलेबस भी मैथमेटिक्स से कंपैरेटिवली थोड़ा सा इट्स वेरी शॉर्ट. तो और रेडीली गाइडेंस भी अवेलेबल था उस समय जब मैं हैदराबाद पे प्रिपरेशन कर रहा था उस समय. तो इसीलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी ले ली है. आई वॉज इंटरेस्टेड इन द टॉपिक एंड ऑल्सो गाइडेंस वॉज अवेलेबल. हम अलग अलग जो पेपर वन है और पेपर टू है उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहेंगे. इट इज कंसिडर्ड एज वेरी बहुत ही स्टैटिक है पेपर वन, और पेपर टू थोड़ा सा डायनेमिक हो सकता है. तो हम दोनों के लिए आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है. पेपर वन वैसे इट्स मोस्टली स्टैटिक कंपेरेटिव टू पेपर टू. तो लेकिन द सिलेबस ऑफ पेपर वन इज वास्ट कंपेयर टू पेपर टू. तो मैंने क्या किया, मैं सोसिन मैडम नाम से एक मैडम है हैदराबाद में जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं, तो मैं वहाँ कोचिंग लिया. मैम की नोट्स मेरा बेसिक नोट्स था, उसके ऊपर मैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज लिखा था दिल्ली में L2A पर. उसके बाद करणदीप सिंह सर के पास ये सब वहां से मैंने वैल्यू एडिशन किया मेरे नोट्स को. और मैं Ember और बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है वहां से मैं वैल्यू एडिशन करते करते ऐसे ओवर द इयर्स आई केप्ट ऑन अपडेटिंग माय नोट्स, और वही मैं बार बार रिवाइज किया. तो पेपर टू, व्हेन इट कम्स टू पेपर टू, मोस्टली मैंने गवर्नमेंट रिपोर्ट्स लाइक खाका रिपोर्ट और पार्ट वन ऑफ पेपर टू फॉर इंडियन सोसाइटी, आई हैव ऑल्सो रेफर टू सम बुक्स लाइक राम अहूजा. तो ये सारे टेक्स्ट बुक्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ के मैं नोट्स बना दिए. उसके बाद ईयरली रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी रिलीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहां से मैं जो भी नए चीज आते रहते हैं गवर्नमेंट से मैं नोट्स अपडेट करते करते ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया पूरा पेपर वन एंड पेपर. जगत जी, आपने कहा, आपने बताया कि ओवर द इयर्स जो वैल्यू एडेड मटेरियल्स थे उनको आपने पढ़ा और जो नोट्स आपने बनाए थे कंसोलिडेट किया था, उसको अपडेट किया. क्या हम जान सकते हैं कि वो वैल्यू एडेड जो भी रिसोर्सेज थे वो कौन कौन से थे? जी, फर्स्ट इज गवर्नमेंट रिपोर्ट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ईयरली रिपोर्ट आती है, एंड सेकेंडली देर आर इग्नू बुक्स, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच आर अवेलेबल ऑनलाइन. तो मैं वहां से भी थोड़ा बहुत अपडेट किया मेरा नोट्स. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, कपल ऑफ ईयर्स बैक देर वॉज ए रिपोर्ट, ए कमिटी नेम्ड डॉक्टर अभय बांग कमिटी विच वॉज ऑन ट्राइबल हेल्थ. सो आई रेड दैट रिपोर्ट इन डिटेल एंड prepared my notes regarding the health issues of scheduled tribes in our country. Jaise whenever I come across a new committee or new report, Niti Aayog reports, I used to update myself with those kind of reports and wherever they fit in our syllabus.
सर, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो कई बार ऐसा होता है, हमने ये सुना है कि यू हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, आपने काफी सारे वैल्यू एडेड मटेरियल्स बताए हैं, बट अपने आप को, अपने आंसर्स को सबसे अलग कैसे बनाए? फर्स्टली मैंने केस स्टडीज थोड़ा नए केस स्टडीज इंकल्केट करने में मैंने कोशिश किया इस बार आंसर्स में, जो भी रिसेंट करेंट अफेयर्स पे थे. सेकेंडली थोड़ा डायग्राम्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, जैसे हम जनरल स्टडीज पे करते हैं सभी लोग ये फ्लो चार्ट्स वगैरह, लेकिन मैं आई ट्राई टू इंकल्केट दैट इन एंथ्रोपोलॉजी एज वेल. थर्डली मैम, आई ऑल्सो ट्राई टू लिसन टू द स्पीचेस ऑफ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्लियामेंट. सो वेन एवर आई फाइंड सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द मिनिस्टर, आई ऑल्सो ट्राई टू कोट देम इन माई पेपर टू आंसर्स. सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू मेक माई आंसर्स यूनिक, स्पेशली इन एंथ्रोपोलॉजी. काफी सारे जो ऑनगोइंग इवेंट्स चल रहे हैं उनसे आपको अपडेटेड रहना है और इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, एंथ्रोपोलॉजी में अपने आंसर्स को सबसे अलग करना है. जगत जी, इस पूरे एग्जामिनेशन में हमेशा हम पूछते हैं, एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, कैसे करंट अफेयर्स फिनिश करना है, कवर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चंक है, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सभी जगह. तो आपने कैसे कवर किया था? मैम, एक्चुअली माय फर्स्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स इज न्यूज़पेपर. मैं हर दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और अभी भी पढ़ रहा हूँ एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, क्योंकि वो आदत बन गई. तो ये न्यूज़पेपर शुड नॉट बी मिस्ड एट ऑल इन एनी केस. सेकेंडली, न्यूज़पेपर के अलावा देर आर फ्यू मैगजाइन्स रिलीज बाय कोचिंग, लाइक आई यूज टू फॉलो विश्नाएस मंथली मैगजाइन. तो एक महीने के बाद एक मैगजीन रिलीज होती है विश्नाई से, तो आई रिलाइड ओनली ऑन दैट. तो एक्सेप्ट दीज टू आई डिड नॉट फॉलो एनी अदर करंट अफेयर्स. माई फोकस वॉज मोर ऑन द स्टैटिक पार्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल करंट अफेयर्स के पीछे पड़ के लोग स्टैटिक को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि मैं ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए. जगत जी, हमेशा ये भी हमने कई सारे एस्पिरेंट्स में ये भी डिलेमा रहता है कि क्या उन्हें योजना, कुरुक्षेत्र, PIB जैसे वेबसाइट्स को भी फॉलो करना है और योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन्स को. जी मैम, अगर टाइम है तो फॉलो कर सकते हैं. आई यूज टू फॉलो व्हेन आई यूज टू बाय योजना कुरुक्षेत्र इनिशियली एंड रीड देम व्हेनेवर आई वाज बोर्ड विद द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. तो वैसे टाइम पास के लिए मैं देख रहा था योजना और कुरुक्षेत्र कभी कभी. अगर एक दो चीज अच्छा लगा तो आई यूज टू रीड दैट, but not it was not a standard book, standard magazine wherein I had to read it every month for sure. It's not like that, but only whenever I had mood of reading some new things. जगत जी, हमने आपके प्रिपरेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ऑप्शनल हो गया, और कितना इंपॉर्टेंट है जो स्टैटिक पोर्शन है उसको ज्यादा एम्फेसिस करना. हम सेशन के एंड में आ चुके हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? जी मैम, फर्स्टली मैम, स्टैटिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स बहुत ग्लैमरस हो चुका है कि लोग कह रहे हैं कि अगर कोई प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे और मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे, दे आर ब्लेमिंग एंटायरली ऑन करंट अफेयर्स. लेकिन मुझे लगता है कि इफ वी आर वेरी श्योर शॉट इन टर्म्स ऑफ अवर बेसिक्स एंड द स्टैटिक कॉम्पोनेंट, करंट अफेयर्स आर जस्ट ऑन टॉप ऑफ इट एंड वी कैन डू इट वेरी इजिली. तो ज्यादा एम्फसिस देना चाहिए करंट अफेयर्स को, लेकिन एक्सेसिव एम्फसिस नहीं देना है. अगर स्टैटिक में फुल प्रूफ हुआ तो डेफिनेटली वी विल क्लियर प्रीलिम्स, दैट इज फॉर श्योर. एंड फॉर मेंस, यस, करंट अफेयर्स प्ले अ क्यू रोल, तो स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स करना चाहिए, बस इतना ही है. जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, योजनाएं चल रही हैं, उनको कैसे फिनिश करना है, कैसे कवर करना है, और जो पिछली स्कीम्स है जो अभी तक कंटिन्यूड हो रही है. Ma'am, whenever a new scheme is introduced, we will have a lot of articles and analysis in newspapers every day. For example, jaise when GST came up, almost for an year or 2 years, there were many important articles by famous economists, former RBI governors and many other world famous economists. So, wo padke padke, we will be able to analyze and digest those things very easily. लास्ट में वैसे वी गेट सम कंपाइलेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स बाय मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द एंड, बट लेकिन वी नीड टू नो थिंग्स इन वेरी डेप्थ. सो फॉर दैट वी नीड टू फॉलो न्यूज़पेपर्स रेगुलरली.
और मैम आई वुड लाइक टू एडवाइज एस्पिरेंट्स एंड मेक देम अवेयर ऑफ वन थिंग व्हिच इज दैट नॉट टू फॉलो एनी टॉपर्स और इंक्लूडिंग माई सेल्फ ब्लाइंडली. This examination has various ways of clearing it. Everyone should have their own way of clearing it. And we also need to have our preparation in a customized way. So, apne strengths or weaknesses ko analyze karo aur usi hisab se aap preparation karo. Then you will be able to succeed in this examination. Thank you so much, Jagat ji, for joining us and speaking to us on various aspects. The entire team wishes you good luck and good health. Thank you.